हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के क्लोन को आगे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वाली वीडियो में इसको यहाँ तक डेवलप किया था, वन ड्राइव वाले तक। हमने अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके इसे सेंटर वगैरह में भी कर दिया था। तो इसके बाद हम लोग अब इसका बिजनेस सेक्शन और इसका फुटर बनाने वाले हैं। दिखाता हूँ आपको, ये वाला बिजनेस सेक्शन है और इसके बाद इसका फुटर भी बनाएंगे। ये मैंने बना रखा है, वैसे ये ऐसी हमारी प्रेजेंट डे इसका वर्जन ऐसा दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हम लोग बनाने वाले हैं। इसका ये वाला सेक्शन है, इसका ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, उसके बाद ये वाला सेक्शन भी बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों ने फॉर बिजनेस वाला सेक्शन बनाना है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे बिजनेस वाला सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे कमेंटिंग भी मैंने HTML की हुई, तो जल्दी से पहले वही कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर लिखते हैं, हेडर। उसके बाद यहाँ पे नेबर जल्दी से कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेबर एंड होगी, यहाँ पे हेडर सेक्शन सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडर सेक्शन भी कर दिया। उसके बाद हीरो डिव, हीरो डिव, 2 मिनट गाइस। तो यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रेस दबा के मैं इसे कमेंट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये भी हो चुका, हीरो डिव में जो था, हीरो डिव के अंदर सारा कुछ डाल दिया है हमने। तो ये क्लोजिंग सेक्शन यहाँ से सेक्ट टू फ्लक्स, सेकंड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड सेक्शन। तो यहाँ से सेकंड सेक्शन कहाँ पे बंद हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पर सेक्शन 3 होगा। तो यहाँ पे थर्ड सेक्शन लिखूंगा, थर्ड सेक्शन। उसके बाद ये वाला सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे ये वाला एंड हो गया, उसके बाद ये हीरो डिव क्लोज हो गया, यहाँ पे वन ड्राइव सेक्शन आ गया, वन ड्राइव सेक्शन, वन ड्राइव का सेक्शन भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे तक हमने इसे बना दिया है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे, कौन सा, बिजनेस सेक्शन। तो बिजनेस सेक्शन, तो मैंने बिजनेस सेक्शन लिख दिया यहाँ पे। अब हम सेक्शन बना रहे हैं, सेक्शन बनाया, इसको जल्दी से क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू बिजनेस। तो यहाँ पे क्लास बिजनेस भी देती है। अब हम देखते हैं कि कैसा है एग्जैक्टली है क्या इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर बिजनेस नाम का एक हेडिंग है, जल्दी से हेडिंग बनाते हैं, फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस मैंने बना दिया। उसके बाद एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट कार्ड्स नाम से। कार्ड्स के अंदर हम लोगों ने कार्ड नाम का एक डिव क्लास ऐड बनाया हुआ यूटिल्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिव डॉट कार्ड बनाते हैं। कार्ड के अंदर हम लोग एक कौन सा है, H2 या H1 है, बस कार्ड की स्टाइलिंग है, तो H2 लेते हैं। H2 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको, सरफेस प्रो 8 फॉर बिजनेस, ठीक है, सरफेस प्रो 8 फॉर बिजनेस। तो ये लिख के हमारे साथ ये हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, वो देखते हैं अभी। गेट प्रेजेंट, काफी कुछ बड़ा है ये, तो इसे हम सीधा ऐसे बनाते हैं, कंट्रोल सी कॉपी करके पेस्ट मार दिया। उसके बाद एक एंकर टैग है, एंकर टैग ए डॉट, हाँ बस ठीक है, ए ही लिख लेते हैं, सिर्फ हैशटैग बनाएंगे इसका, और लर्न मोर लिखेंगे, लर्न मोर। उसके बाद ये हमारा एक बन चुका है। इसके अंदर एक IMG बनानी थी, IMG की हम कोई भी ऐड कर देते हैं, IMG/LP1 ऐड करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ तो BG कर देते हैं, LP1 ही करते हैं सबसे पहले। उसके बाद टैब दबाएंगे, टैब दबा के हम लोग यहाँ पे LP1 ही लिख देंगे। तो LP1 लिखने के बाद हमारे पास ये लर्न मोर की ऑप्शन तो आ चुकी है, ये वाला, ओके समझ गया मैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा कैसा दिख रहा है, अभी रिलोड करना पड़ेगा यार, मैंने लाइव सर्वर नहीं ऑन किया हुआ।
ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारी बन चुकी है, पहला बन चुका है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो लाइव सर्वर ऑन करते हैं। लाइव सर्वर कहाँ से ऑन करूँ, यहाँ से। ओके, गो टू गो लाइव पे क्लिक करूंगा। लाइव सर्वर ऑन हो चुका है, सीधा यहाँ से हम लोग लाइव रिलोड का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे करेंगे बंद। यहाँ पे जो डिव डॉट कार्ड है, ये वाला जो डिव है, इसे कंट्रोल सी करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, कंट्रोल वी, फिर वी, फिर वी, फिर वी, चार सेक्शन हो चुके हैं हमारे। हमारे कहाँ पे कितने कितने सेक्शन हैं, चार ही सेक्शन हैं ना, वो भी कहाँ पे है यार। ये हमारा लाइव सर्वर नहीं है, इसे बंद करेंगे भी। जो हमने लाइव सर्वर ऑन किया है वो यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा होगा। तो यहाँ पे चार सेक्शन ही हैं, तो इसको बंद करेंगे भी। हमारे ये दो टैब्स ओपन हैं, तो यहाँ पे अभी चार आ जाने चाहिए थे, आई क्यू नहीं आ तो गए, आ गए आ गए आ गए। तो यहाँ पे अब हम लोग फ्लैक्स क्लास ऐड करेंगे, किस में, इस वाले डेफ में। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फ्लैक्स क्लास को ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा देख सकते हो आप लोग क्या चेंज आया इसमें, थोड़ी सी विड्थ ज्यादा ले चुके हैं ये लोग, है ना। तो चार है हमारे पास, विड्थ अगर 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कंसोल से देखते हैं। 100 कुछ तो फुल डिविजिबल तो होता है, 4 25। ओके, तो 25% हम अगर एक को विड्थ देते हैं तो हमारे पूरे पूरे सही आ जाएंगे ये। तो जल्दी से चलते हैं स्टडी डॉट सीएसएस में, यहाँ पे बिजनेस डॉट बिजनेस देखते हैं। बिजनेस डॉट बिजनेस के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ देंगे इसको 100, व्यू पोर्ट विड्थ हाइट देंगे 100, 50, 60 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद इसको क्या देंगे आगे दिखाता हूँ आपको, ये इतना है ना, मैंने कितने दे दिए, 3 और 2 5 दे दिए ना, इसलिए ओवर फ्लो हो रहा है। ओके, एक ज़्यादा दे दिया मैंने, एक कम करते हैं, इसमें से एक कार्ड रिमूव करते हैं, यहाँ से इसे रिमूव किया, अब सही आ जाना चाहिए हमारा ओवर फ्लो कम, या ओवर फ्लो भी हो चुका है सही। तो यहाँ पे अब हमेरा अब हमारा सब कुछ सही हो चुका है। एक चीज हम लोग यहीं से ऐड कर देंगे, स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, टेक्स्ट अलाइन अलाइन जस्टिफाई कर देंगे, वन लग रहा इम्पोर्टेंट कर देंगे इसे, अभी भी नहीं हुआ क्या बात होगी। ऐसे करते हैं, जो डॉट कार्ड के अंदर जो हमारा है, क्या कहते हैं, डॉट बिजनेस, उसके अंदर जो डॉट कार्ड है, उसके अंदर जो पैराग्राफ है, उसकी जो है टेक्स्ट लाइन को जस्टिफाई कर दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए करना, इससे ये अच्छा लगेगा। अब हमारा चल जाना चाहिए सही, हो तो गया है, बट ये उतना सही नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। तो टेक्स्ट लाइन इसको मैं पहले मैं इसको सेंटर करता हूँ, फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से सही हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये तो सही हो गया। अब आपको ये अच्छा लग रहा होगा ऑब्वियसली, तो ये वाली इमेजेस हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये वाला डाउनलोड करते हैं, या तो कॉपी कर लेते हैं इमेज एड्रेस, इमेज एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारते हैं। सबसे पहले तो LP1 जो है हमारा सबसे पहला कार्ड ये वाला है, इसको रिमूव करेंगे अभी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली पहली इमेज आ गई, देखिए गाइस। तो यहाँ पे दूसरी इमेज का एड्रेस कॉपी करेंगे, ओ कॉपी इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस लिखना था मुझे, इमेज एड्रेस। तो इमेज एड्रेस वंस अगेन हमने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे हमारा सेकंड कार्ड कहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसे सेकंड इमेज को, यहाँ पे सेकंड इमेज पेस्ट कर दी, थर्ड थर्ड इमेज पे आएंगे, उसको कॉपी करेंगे,
कॉपी कर लिया। नीचे जाएंगे थोड़ा कार्ड के अंदर, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। थर्ड इमेज भी हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फोर्थ इमेज जो कि लास्ट इमेज है, इसे भी हम लोग कॉपी करके डाल देते हैं, तो हमारा सारा हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो आप लोग भी, तो यहाँ पे देखो इसको आप लोगों ने ऐसा बना दिया। अब हम लोग एक एक करके सब ही का कंटेंट चेंज करते हैं। ग्रेट सॉल्यूशंस फॉर योर स्कूल, यहाँ पे कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबा के क्या होगा, हमारा कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट, और सेकंड वाले में हम लोग इसे डाल देंगे। पहला वाला ये था, सेकंड वाला ये है। सबसे पहले हाँ यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसे करके भी दबाएंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर हम लोग को रिमूव करना है इसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी के अंदर, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये इसका कंटेंट भी चेंज हो चुका है। इसको H4 कर देते हैं, ऐसा करते हैं। H3 रखा नहीं, H2 रखा तो 3 कर देते हैं। डिलीट करेंगे, H3 रखेंगे। H3 के बाद हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये छोटा तो हो चुका है, बट इसकी फॉन्ट फैमिली दूसरी होने के कारण ये पता नहीं चल रहा। तो जो H1 है, पहले तो इसका मैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट ही कर देते हैं सभी का टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। तो यहाँ से हमारा ये सारे लेफ्ट हो चुके हैं। ये सेंटर लग रहा है तो अच्छा ही लग रहा। इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ जो होगी एक की होगी 25%। तो 25% पेरेंट एलिमेंट की ले लेगा विड्थ, काफी कम रहेगी। तो इसे 100% देते हैं, देके देखते हैं क्या पता ये सही हो जाए। हो जा, थोड़ा मतलब हो रहा है हमारा काइंड ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ना 90% रखते हैं, तो उससे सही हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू मी 90% से सही तो हो जाना चाहिए। हो गया, हाँ हो गया। देखो बीच में स्पेसिंग आ गई, सब कुछ सही चल रहा। अभी इसको जो मैंने H3 किया था उसको मैं H2 ही करता हूँ, वही सही था, H2 ही सही है। अब हमारा देखना आप लोग सही दिख रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाले में ऐसा क्या अलग है, ओके हम लोग इनमें से जो भी इमेजेस हैं उनमें एक क्लास ऐड करते हैं। इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा। सॉरी गाइस, तो ऐसा करता हूँ, इसे सिलेक्ट करूँगा सिंपली ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल नहीं बट अल्ट दबाऊँगा। यहाँ पे इमेजेस इमेज इस यूआरएल में भी है ना, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने ये ऐसे किया। जो होगा तीसरे वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा। चौथा वाला ये है, क्लिक किया चौथा। तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे, एक स्पेस मारेंगे, बैक स्पेस। क्लास इज इक्वल्स टू हमारी कौन सी होगी, IMG क्लास हम सभी इमेजेस में लगाते हैं। हाँ हो तो गई हैं एक जैसी, बट फिर भी हमें दूसरी IMG चाहिए। तो इनकी विड्थ जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा एक जैसी कर देते हैं सभी की। तो कंट्रोल जब दबाएंगे सभी की क्लासेस रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से स्टाइल डॉट सीएसएस में चलेंगे। स्टाइल डॉट सीएसएस में हमारा क्या होगा, डॉट बिजनेस के अंदर जो डॉट कार्ड है उसके अंदर जो IMG है उसकी विड्थ को भर दो आप लोग। पैराग्राफ की इतनी दी थी 90, तो इसकी भी 90 ही दे दो, सही रहेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे 90% वेट पेरेंट एलिमेंट की ले लेगा। ये क्या ऊपर नीचे कैसे हो गया ये एक्सेलरेटर? ओके, उसका पैराग्राफ अलग कर दिया और उनका आगे का चेंज नहीं किया। ऐसे ऐसे कंट्रोल सी करेंगे, इसका कंटेंट चेंज करते हैं। रुकिए, एक्सेलरेट ये वाला चेंज कर दिया, इसके बाद ये वाला चेंज करना था, कंट्रोल वी, तो हमारा चेंज हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है get Microsoft Teams for free। सही है, हाँ सही है। तो यहाँ से हमारा, अगर हम यहाँ पे आए, नीचे स्क्रॉल करें, ये क्या बे, क्या गए थे, अब सही लग रहा है। बट जब इसकी हाइट भी हम लोग 90 कर देते हैं, हाइट खैर 50 बहुत रहेगी, बट 90 से ज्यादा ना हो जाए, मेरे को इसकी टेंशन है, बट नहीं ठीक ठाक ही है। मेरे हिसाब से इसने ली नहीं, ये दोनों चीजें इसने ली नहीं है, तो हम लोग इसे इंपॉर्टेंट लगा देते हैं मार्क। अब शायद ले ले, हाँ तो अब तो ले लिया, इसमें देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी करेंगे कंट्रोल से दबा के और यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। और अब हमारा देख सकते हो आप लोग, हो ही चुका है हमारा, अपने वाले में क्या हुआ है वही वही चीज होगी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसकी जो है पैराग्राफ की जो विड्थ है उसे सही कर देते हैं, लाइक इसमें कार्ड क्लास नहीं यूज करते, कहाँ पे है ये रहा, इसमें कार्ड क्लास नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसमें क्लास फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स यूज की, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मेरे को लगता है कि हाँ बच्चों में लग रही है थोड़ी सी, जैसे अब सही करते हैं एक फ्लक्स डायरेक्शन को, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्ड 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 क्लास लगा देंगे। तो यहाँ पे डॉट बिजनेस के अंदर जो डॉट थर्ड है उसको जरा देखना, उसकी जो है फ्लक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो। तो यहाँ पे अभी हमारा कैसा लग रहा है, हाँ लग तो सही रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने उस क्लास को रिमूव कर दिया, उसके कारण ये सही हमारा ऐसा सा आ रहा है। तो अब जो है जो थर्ड का टेक्स्ट लाइन भी हम लोग लेफ्ट की जगह सेंटर कर देंगे, हाँ अब मजा आएगा, मजा तो आ रहा है, बट थोड़ी सी इमेज सही करने वाली है। तो अगर हम लोग डिस्प्ले ग्रिड भी लगा दें, डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना पड़ेगा, प्लेस आइटम्स सेंटर भी मार्क करना पड़ेगा। तो अब हमारा सही तो होना चाहिए था, तो हो तो गया सही, आप लोग देख तो सकते हो, बट मार्जिन लेनी पड़ेगी इसे, यार ग्रिड नहीं यूज कर सकते हम यहाँ पे। मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से भी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल से भी, मतलब 10 पिक्सल इसको थोड़ी ना देंगे हम लोग मार्जिन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे,
बट सही है यार, इस इमेज को सेंटर करना रह गया बस, थोड़ा सा टॉप से फिर नहीं बॉटम से इस इमेज को सेंटर थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए तो ठीक रहेगा। बिजनेस के अंदर जो थर्ड थर्ड है उसको, जो IMG है उसको जो दे दो मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मतलब 5 RM। हाँ ठीक है, और मैं 4.5 लिखूँ, थोड़ा सा 4.2 रन लिखते हैं, 4 रन लिख देते हैं, 4 रन कैसा लग रहा है? हाँ सेंटर हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इसको मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, हमें मार्जिन बॉटम इसको भी देना पड़ेगा कॉमा। तो बिजनेस के अंदर जो डॉट थर्ड है उसके अंदर जो H1 है कॉमा, डॉट बिजनेस के अंदर जो डॉट थर्ड है उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ, उसको भी ये सब प्रॉपर्टीज मिल जानी चाहिए। बढ़िया, ज्यादा हो गया, तो हमें 3 था जितना हमने कर दिया है, तो ये काफी हो चुका है हमारा, देख सकते हो। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते ठीक रहता, बट सही है, इतना बुरा नहीं लग रहा। ये कहाँ पे आ गए हम लोग, नीचे चलते हैं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से रिस्पॉन्स COVID-19 ये वाला बनाते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है वो भी देखने वाला। बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट ग्रेस टाइप का है, तो ग्रेस को थोड़ा सा लाइट कर देंगे तो ये वाला बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो कोविड वाला सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे स्टाइलिंग ऑफ दी कोविड सेक्शन सिंपल। तो यहाँ पे कोविड सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये वाला डेव जो है ये कहाँ से आ रहा है, पार्ट्स वाला डेव है, तो सेक्शन तो यहाँ से एंड, तो ये वाला सेक्शन यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्ट डॉट कोविड लिखेंगे, और एक कोविड नाम का सेक्शन है COVID-19 रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन बना दिया, इसके बाद इधर जाएंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे और लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्स टू COVID-19 कर दो, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्स टू COVID-19 ये है हेडिंग, रीड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू COVID-19 आउटब्रेक। रीड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू COVID-19 आउटब्रेक। तो यहाँ पे COVID-19 आउटब्रेक एंड गेट रिसोर्सेज टू हेल्प, एंड गेट रिसोर्सेज टू हेल्प। तो यहाँ पे रिसोर्सेज टू हेल्प, तो ये हमारा बन चुका है। लर्न मोर नाम का बटन यहाँ पे भी है, तो एक फिर से बना लेते हैं यार एंकर टैग हैशटैग लर्न मोर, इधर ऐसे बना दिया सिंपल। तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पे, इधर देख सकते हो आप लोग कहाँ पे बनाइए, इसके ऊपर एक HR लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक रहेगी, H4 नहीं HR। तो देख सकते हो तो ये वाला आ चुका है यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर मिल गया ये पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टाइल डॉट सीएसएस में ही इसकी सारी स्टाइलिंग करते हैं, सीधी सीधी कोविड हाइट 70
70 viewport height, ये 100 viewport width। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो आप लोग ये चीज़ आ चुकी है। इसके बाद इसका डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम्स सेंटर, तो यहाँ पे प्लेस आइटम सेंटर। अब हमारा सेंटर सेंटर हो चुका सब कुछ, बट अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर देते और अच्छा रहेगा। तो ग्रिड रिमूव कर देते हैं, फ्लैक्स ही यूज करते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेट, उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। यहाँ पे अब हमारा ये वाला बन चुका है। और एक एचर जो मैंने गलती से तो नहीं लगाने का मन किया था तो लगा दी थी, उसे रिमूव करेंगे अब। तो रिमूव करने के बाद हम लोग अब इसका बैकग्राउंड देंगे सेक्शन का, बैकग्राउंड ग्रे ग्रे देके इसको सही करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे, फुल थोड़ा सा वाइट हो चुका है बट हमें ग्रे चाहिए, ग्रे करना। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे रखेंगे इसे। हाँ तो अब कैसा रंग आ रहा है, ये वाला कलर थोड़ा सा और लाइट है। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको एक कलर देखते हैं, कलर कुछ भी रखेंगे, इसको सेंटर मारेंगे, यहाँ पे आएंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको माइनिमाइज करके, कौन सा कलर है ये वाला, थोड़ी ना ये वाला, नीचे चलेंगे थोड़ा सा यहाँ से, इस पर क्लिक करके सही करते हैं। पहले तो इसे थोड़ा सा मैं कम आ रहा था, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ये जो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू है उसे रिमूव करके ये वाला वैल्यू लगा देंगे। अब हमारा देख सकते हो आप लोग बैकग्राउंड सेम आ चुका है, थोड़ी सी हाइट कम कर देंगे, हाइट हमारी 40 VH कर देंगे, 40 VH काफ़ी रहती है। हाँ तो सही है, मार्जिन टॉप देते हैं, मजे से प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम तो। 5 RAM, तो 5 RAM दे दी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसी लग रही है। हाँ तो बिल्कुल वैसा सा ही बन चुका है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। इसे रिलोड करने के बाद हमारा वापस से वैसा आ जाएगा। तो इसका कलर जो होगा ना वो ब्लैक होना चाहिए, सब कुछ ब्लैक होगा तो अच्छा रहेगा। जो डॉट कोविड के अंदर जो हमारा एंकर टाइप है उसको कर दो कलर ब्लैक, या फिर #000। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा इससे अलग है, ये वाला कलर अलग है और इससे थोड़ा सा, ये ब्लैक तो है बट जो कलर था इसका ये वाला हो रिफेक्ट, इसमें भी लगा देते हैं, कौन सा है कहीं पे तो लगाया था हमने वो होवर इफेक्ट, कहाँ पे गया। दो मिनट गैस में कंट्रोल सेट करके सब कुछ रिमूव करके दोबारा से कंट्रोल वही करके सब कुछ ले आऊँगा। देखते हैं, मेरे को लगा था कि मैंने यहीं पे रखता है, रख दिया है, बट नहीं, देख सकते हो वापस भी आ चुका सब कुछ। हमारा ये अलग है और ये अलग रख रहा है। ओके तो इसका फॉन्ट वेट चेंज करने वाला, .covid के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट वेट लाइटर हो गया। इसका जो कलर है
कोविड के अंदर जो कलर है, पैराग्राफ है, उसका जो कलर है उसको कर दो ग्रेस्ट काइंड ऑफ कलर, ताकि वो मतलब पूरा ब्लैक ना रहे। ग्रे को थोड़ा सा डार्क करोगे तो वैसा कलर बन जाएगा, थोड़ा सा डार्क। यहाँ से डार्क हो रहा है, इधर की तरफ डार्क इसी कलर है, थोड़ा सा डार्क। और तो यहाँ पे ये वाला कर था वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डार्क। हाँ तो ये ऐसा सही कलर है, वो सही लग रहा है अगर हम लोग देखें तो। इसके बाद फॉलो माइक्रोसॉफ्ट ये वाले आइकन, प्लगइन बना रहे हैं अब हम। सोशल प्लगइन, सोशल प्लगइन तो यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखे है का क्या क्या लिखा है। ये हमारी वेबसाइट है, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, फॉलो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, फेसबुक और ये फलाना ढिमकाना पे इसको डिव बनाते हैं यार, इसको डिव बना देंगे ना तो सही रहेगा। हमारा डिव बनाएंगे, इसे भी क्लोजिंग डिव भी बनाएंगे हम, सेंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो। तो हम लोग इसे डिव ही बनाते हैं, बन चुका है डिव बट सेंटर नहीं हुआ, पर क्यों कोई बात नहीं, सेंटर तो है तो कुछ क्योंकि इसके अंदर। सोशल प्लगइन बनाते थे सेक्शन डॉट सोशल, तो यहाँ पे सोशल सोशल प्लगइन के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एक बनाएंगे पैराग्राफ, उसके अंदर लिखेंगे फॉलो माइक्रोसॉफ्ट। तो ये लिखने के बाद इसके अंदर फेसबुक और वगैरह वगैरह का प्लगइन डालेंगे, फेसबुक लोगो डाउनलोड करेंगे इसे। कॉपी करेंगे इमेज एड्रेस, तो यहाँ पे क्या करेंगे फॉलो माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे क्या करेंगे एक एंगल टैग डालेंगे, उसके बाद हैश टैग डालेंगे, उसके अंदर एक इमेज डालेंगे, इमेज के अंदर हैश टैग ये वाला डालेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे, तो ये हमारा एंकर टैग, इसके अंदर इमेज डालने की इमेज भी डाल दिया, तो हमारा यहाँ पे ये ऐसा बन चुका है जो कि मेरे को पता है कि बहुत बुरा लग रहा है। तो ऐसे ही एक और एंकर टैग बनाएंगे, उसको भी हैश डालेंगे, उसके अंदर भी ऐसी ही इमेज डालेंगे, और इसके इस बार क्या करेंगे ट्विटर लोगो बनाएंगे, ट्विटर लोगो। मेरे को डाउनलोड वगैरह नहीं करना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे जाएंगे हम लोग, इस वाले लोगों को यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे और पेस्ट मार देंगे। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, इतना बड़ा यूआरएल ट्विटर, देखते हैं इतनी सी इमेज के लिए इतना बड़ा यूआरएल कौन ही रहता है, कोई और नहीं मिलता क्या इतना बड़ा दे दिया। से नीचे जाएंगे, हाँ यहाँ से इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पे आएंगे वापस से। हमें ये एड ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, हमें तो तुम छोटा सा एक एड्रेस दे दो, पेस्ट मार दो। और ये भी काफ़ी बड़ा है बट ठीक है, उससे तो छोटा ही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्विटर का लोगो भी आ चुका है, यूट्यूब का लोगो तो सिंपल मिल जाता है बट हम लोग यूट्यूब का लोगो भी लेंगे सिंपल। तो यहाँ से हम लोग इसकी ले लेते हैं कॉपी लिंक एड्रेस, तो कॉपी लिंक एड्रेस किसने बोला बे, इमेज का एड्रेस चाहिए तेरे को, लिंक का चाहिए क्या मेरे को, तो स्मॉल चाहिए। यहाँ पे इसी लोग कॉपी इमेज को नाम है, कॉपी इमेज एड्रेस
हाँ तो ये सही है। यहाँ से हम लोग एक और एंकर टैग बनाते हैं, ये देते हैं, उसके बाद आई एम जी के अंदर ये पेस्ट करते हैं, उसके बाद एच के अंदर यूट्यूब लिखेंगे। अरे बाप क्या ही कर दिया मैंने यहाँ पे, और जो हो गया वो हो गया, अब यूट्यूब भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पे अब सभी को हम लोग आई एम जी को एक क्लास देते हैं आई एम जी नाम की, क्लास इज इक्वल्स टू आई एम जी। तो ये चीज़ हमने दे दी है, ऊपर चलेंगे इसको भी देंगे क्लास इज इक्वल्स टू आई एम जी। तो यहाँ पे क्लास इज इक्वल्स टू आई एम जी इसे भी देना पड़ेगा। देखेंगे कैसा लग रहा है, उस हिसाब से जज करेंगे कि आगे करना है कुछ या नहीं करना। तो फॉलो माइक्रोसॉफ्ट ये चीज़ हो चुकी है, इसको अगर ये साइड में आ जाए तो और अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल छोटे हैं बट हम बड़ी प्रेफर करते हैं, तभी मज़ा आएगा। तो क्या करेंगे, पैराग्राफ की जो डिस्प्ले है इनलाइन कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद ऐसा आ चुका, ऐसा करते हैं डिस्प्ले ग्रिड क्लास उसे क्वेश्चन क्वेश्चन है ना डॉट क्वेश्चन डिस्प्ले ग्रिड अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब हमारा थोड़ा सा मज़ा तो आना शुरू हो गया, देख सकते हो। 50-50 लिख देते हैं यार, 50 पिक्सल ही बहुत रहेगा, किसी और इमेज में तो नहीं लगा, इमेज वाला 50 लिखते हैं। कंट्रोल डी से रिप्लिकेट करेंगे 50 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा छोटा छोटा हो गया होगा, हाँ थोड़ी सी स्पेसिंग अगर हो जाती तो ठीक था, बट अभी भी ठीक लग रहा है, हाँ ओके लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा फूटर रह चुका है, सिर्फ फूटर में हमारा काफ़ी कुछ आ चुका है, उसे एक एक करके लिखना पड़ेगा मेरे को। पहले तो एक एक डिव बना लेते हैं हम लोग, डिव बॉक्स बना देंगे। अब हम लोग फुटर बनाते हैं, पहले तो फुटर बनाना स्टार्ट ही करते हैं। 134 लाइन, 138 तक लाइंस हो चुकी हैं हमारी। तो बॉडी के अंदर फुटर टैग बनाते हैं, फुटर टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, div.first। तो div.first के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे व्हाट्स न्यू बनाएंगे, व्हाट्स न्यू करके, व्हाट्स न्यू क्या नया है आपके पास। अब एंकर टैग के अंदर हैश डालेंगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 आएंगे। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं, a इंटू 5 हैश टैग। उसके बाद यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाले में, माइक्रोसॉफ्ट 365। उसके बाद टैब दबाएंगे फिर से हैश टैग हमारा, उसके बाद फिर से टैब, उसके बाद वंस अगेन नहीं करेंगे, सरफेस प्रो एक्स, सरफेस प्रो एक्स, उसके बाद टैब, फिर से टैब। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से ऐसे में हैश देंगे, और नेक्स्ट वाले में एंकर टैग में क्या था, मैंने 2 मिनट के लिए पॉज कर दिया था, विंडोज़ 11 एप्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए मैंने विंडोज़ 11 की है, विंडोज़ 11 एप्स, यहाँ पे AWP एप्स, ठीक है। तो विंडोज़ 11 एप्स से हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा, अब दिखाता हूँ कि आपको क्या बन चुका है, यहाँ पे ये बन चुका है, देख सकते हो आप लोग। तो इसके अंदर क्या करना है अब, नेक्स्ट div.second बनाना है, div.second इसके अंदर भी वंस अगेन H1 बनाना है। H1 के अंदर ये क्या है, H1 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, स्टोर के बाद हमारा स्टोरेज कहाँ से आ गया, हाँ स्टोर के बाद हम वंस अगेन इसमें से कितने अंकर हैं, तो 3 और 2 5, इसमें भी 5 ही हैं, a इंटू 5 लिखेंगे,
शिफ्ट प्लस टैब दबा के पहले हैशटैग दबाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर देखेंगे क्या है। फर्स्ट वाले में अकाउंट प्रोफाइल जल्दी जल्दी लिख देते हैं, अकाउंट प्रोफाइल, उसके बाद टैब दबाएंगे हैश, फिर टैब दबाएंगे नेक्स्ट वाले में क्या है, डाउनलोड सेंटर, डाउनलोड सेंटर, फिर यहाँ पर टैब दबाएंगे हैश, फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सपोर्ट सपोर्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हैश फिर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट रिटर्न्स ऑर्डर ट्रैकिंग, रिटर्न्स उसके बाद हैश, फिर ऑर्डर, ऑर्डर ट्रैकिंग, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा ये सारा हो चुका है। थर्ड वाले में एजुकेशन है, तो थर्ड वाला बनाते हैं अब, डेव डॉट थर्ड, थर्ड वाले में हमारा है H1 एजुकेशन, एजुकेशन इसमें कितने एंकर टैग्स ज़्यादा होंगे, आई थिंक ना तो कम होंगे, 3 और 4 है एंकर टैग्स इसमें, तो A इंटू 4 करेंगे अब हम। हैशटैग टैब देखते हैं एक बार, मैं सब पढ़ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन, उसके बाद टैब शिफ्ट प्लस टैब ऑफिस प्लस ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद टैब हैश टैब, उसके बाद हम लोग देख सकते हो, हम लोग देख सकते हैं ऑफिस 365 फॉर स्कूल, ऑफिस 365 फॉर स्कूल, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में माइक्रोसॉफ्ट एजर इन एजुकेशन, तो टैब टैब माइक्रोसॉफ्ट एजर इन एजुकेशन, तो ये चीज़ हमने डाल दिया। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी, हम लोग ऐसा करते हैं ये चीज़ें रहने देते हैं, तीन ये तीन लिख दिया बहुत है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा यहाँ पे ये तीन चीज़ें आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे फुटर का, तो फुटर की यहाँ पे कमेंट डालना भूल गया था, फुटर कंट्रोल स्लैश यहाँ पे आएंगे और स्पेस मार के फुटर लिखेंगे, फुटर, फुटर के अंदर हमारा अब जाएंगे डॉट फुटर के अंदर, मतलब फुटर ही लिख देंगे, फुटर, फुटर नहीं फुटर यार, फुटर के अंदर क्या होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के अंदर क्या होगा हमारा, ऐसे करके हो जाएगा। और जो होगी हमारी फुटर के अंदर जो एंकर टैग है उसका डिस्प्ले होगा ब्लॉक, ठीक है। नीचे जाएंगे तो हमारा ऐसा बन चुका है, ये 10 सेकंड का काम नहीं था ये यार, जो मैंने इतना टाइम लगा दिया, लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, नहीं तो हमारा सारा सही है। तो ये हमारा, हम इसको फुटर को बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड फुटर में क्या देंगे हम लोग, कि बैकग्राउंड हम फुटर में देंगे ये वाला सेम जो हमने ये वाला दे रखा है, तो इस वाले बैकग्राउंड में इसको ज़रा रिमूव मतलब वो करना, कौन सा कलर यूज करने वाला है, यही वाला, तो ये वाले कलर को हम लोग देखते हैं अभी, यहीं से सेम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमारा ये E6 तीन बार लिखा है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर इसका कौन सा होगा, EEE6E6E6, तो यही वाला कलर हम लोग इसके लिए यूज करने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग। थोड़ी सी क्रिएटिविटी मैंने फिर से ऐड कर दिया कि मैंने यहाँ से कलर नहीं उठाया और सब कुछ ब्लैक भी करना है, ये वाला सब कुछ थोड़ा सा ग्रेश काइंड ऑफ है, तो फुटर का जो कलर है वो ग्रेश ही होना चाहिए, कलर ग्रे होना चाहिए, ग्रे, हाँ तो ये वाला ग्रे होना चाहिए यार, इसका चेंज नहीं हुआ जिसका करना था, तो यहाँ से हम लोग इसी को करते हैं चेंज, सब कुछ ब्लैक, ब्लैक तो ठीक नहीं लगता, थोड़ा ब्लैक तो होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा इधर को अगर हम करते हैं थोड़ा लाइट हो गया ज़्यादा, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कलर को हम लोग लेंगे अपने के लिए,
इसके लिए तो एंकर टैग में भी हम लोग यही कलर देंगे, कलर यही होना चाहिए। कंट्रोल सी वी, ये कौन सा प्रॉपर्टी हमारा कॉपी हो गया, इसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो कि हमारा फुटर भी बन चुका है, वेबसाइट हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, पूरा प्रोडक्शन टाइप ऑफ बिल्ड हमारा रेडी हो चुका है। ये चीज़ हम नहीं बना रहे हैं, ये चीज़ का कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि तो हम लोग इसे नहीं बनाएंगे। यहाँ तो अगर आप कहोगे तो बना भी देता हूँ अभी, चलो बना ही देता हूँ। इस चीज़ को नहीं बनाऊंगा मैं क्योंकि इसके लिए प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है और मेरे को प्लगइन नहीं लगाना, तो बिना मैं सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं बनाने वाला हूँ इसे। तो फुटर के बाद हम लोग डिव डॉट फुटर टू बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ए एल आई इंटू फाइव बनाएंगे। कितनी एल आई है यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन, तीन और तीन छः, तो छः एल आई इंटू सिक्स। एल आई इंटू सिक्स के फर्स्ट वाला जो है उसका होगा क्या क्या है वो भी देखना पड़ेगा मुझे, कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी टर्म्स एंड यूज, ठीक है, कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी टर्म्स ऑफ यूज, ट्रेडमार्क्स ऑल अबाउट आर एड्स, अबाउट आर एड्स माइक्रोसॉफ्ट 2022 एम परसेंट कॉपी भी लगाई देता हूँ यार। तो ये चीज लगा दी हमने, अब हमारी वाली वेबसाइट में क्या दिख रहा है वो देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो ये दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या क्या मिस्टेक्स कर दी हैं उनको हम करेक्ट कर लेते हैं अभी। माइक्रोसॉफ्ट की ये वाली एम को सही कर दें, प्राइवेसी को सही कर दिया, अब तो नहीं कोई मिस्टेक, हाँ अब कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फुटर टू डॉट फुटर टू की स्टाइलिंग करते हैं सिंपली। पर फुटर फोटर नहीं, मेरे को फुटर टू को फोटो ही गलती से मैं लिख देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर लिखेंगे, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऐसा दिख रहा है अभी, तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया तो वो दिख रहा है, ये ऐसा नहीं दिख रहा, स्पेस अराउंड कर देंगे सिंपल, तो हमारा ये अब ऐसा दिख रहा मज़ेदार, ग्रेट। तो ये जो कलर है इसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, EEE6 वाला बैकग्राउंड, #E6E6E6। तो ये वाला कलर हमने यहाँ पे भी ले लिया। अब हमारा थोड़ा सा हम लोग टॉप से मार्जिन ऐड कर देते हैं, मार्जिन टॉप हमारा 50 पिक्सल तो ज़्यादा ना हो जाए, पर कोई बात नहीं दे देते हैं। ये वाला ये वाली ओके। तो बीच में जो ये वाला कलर आ रहा है वो वाला भी हम लोग को सही करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो ओके है सब कुछ, बीच में से थोड़ी सी स्पेस मेरे को अच्छी लगती है जो होती है, जैसे कि ये वाली है, बट अगर मैं इसको फुटर के अंदर ही डाल देता कंटेंट को तो ठीक रहता। तो इस टिप को ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फुटर के अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड डिव डॉट, बट नहीं डाल सकता क्योंकि फोटो को मैंने फ्लैक्स बना रखा है। तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं इस चीज का, हम लोग बता सकते हैं तो बता दो, नहीं तो टेस्ट मारते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैडिंग दे सकते हैं इसे, देखते हैं पैडिंग देके, पैडिंग टॉप देके देखते हैं, पैडिंग देखते थे ऐसे 50 पिक्सल की, तो अब तो सही नहीं हुआ, वो तो खराब लग रहा है। हाँ हो गया। तो ये देख सकते हो आप लोग कि हमारा ये भी हो चुका है सही, है ना गाइस। तो माइक्रोसॉफ्ट की पर्सनल क्रिएटिविटी के साथ साथ मैंने वेबसाइट बना दी, ये वाला कैसा हो चुका यार, ऐसा तो मैंने बनाया ही नहीं था जैसा हो रखा ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो अभी।
डॉट लोगो जो था कहाँ पे है, नैव के अंदर जो लोगो था, नैव 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 हेडर सेक्शन की आईएमजी है, नैव की आईएमजी है, इसकी हाइट 60 पिक्सल कर दी थी मैंने क्या, तो इसकी विड्थ भी मैं 60 पिक्सल ही कर देती हूँ, कर देता हूँ। जल्दी से रिलोड करते हैं तो 60 60 बाय 60, अब तो सही हो जाए यार, क्या ही कर रहा तू। 60 60 के बाद हम लोग क्या करें, आईएमजी क्लास इसकी चल रही थी ना, विड्थ 50 पिक्सल 50 पिक्सल वाली चल रही थी इसकी, तो दैट्स व्हाई वो चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। इस लोगों को अगर हम अभी रिमूव कर दें तो देखते हैं हम क्या होगा, कमेंटिंग कर देते हैं इसकी, अनकमेंट। हाँ तो इसे रिमूव करके इसे यहाँ पे लगाते हैं, स्लैश स्टार सिंपल। हाँ तो अब देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पे ऊपर था ना, ठीक तो लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो को समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि हमने ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन कैसे किया। तो ये हमने पर्सनल क्रिएटिविटी को ऐड करने के बाद किया, नीचे वाले मैंने भी सिर्फ ब्लैक कलर रखा है तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, ऊपर वाले जो ठीक लग रहे हैं ना तो हमें ऊपर वाले ही ठीक चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के शेयर करना और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना फ्यूचर में ऐसी ऑसम ऑसम प्रोजेक्ट्स देखने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल